वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी, सत्संग जी। 13 अगस्त दिन शनिवार रात 10 बजे तो अमृत वेले 4 बजे तक बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड श्री अमृतसर साहब विखे रैन सुबाई समागम हो रहे हैं। जिन्हें भी परिवारक मैंबर आप जी रोज़ जुड़ते हो, मेरी सारी संगत दे सारे परिवारक मैंबरों के चरणों बेनती, सारे रुझेवियां छड के आप जिया ने 13 तरीक तकरीबन 7:30-8 बजे के करीब पहुँच जाना। 8 बजे लंगर प्रसाद जो प्रारंभ हो जाएगा, लंगर छक के 9:45-10 बजे तक सारी संगत ने जो गुरु पिता जी की गोद के सजन की कृपालता करनी। और तुहानू सबनू पता है जदों रैन सभाई समागम के हाजरियाँ भरते हो किवें गुरु रामदास जी बाबा दीप सिंह जी आप प्रतख हो के वरतते ने ते एक एक दी झोली भरते ने। बेअंत संगत इहो जिहा मैं तुहानू विखा सकदा जिहड़ियां तुहानू कहणगियां कि असीं रैन सभाई च आए साडा आह कारज रास हो गया। इस करके मेरी बेनती है कोई भी परिवारक मैंबर नागा ना करो, 7:30 लास्ट 7:45 तक पहुँच के लंगर प्रसाद छक के फिर 9:45-10 बजे तक जो पिता जी की गोद के सब ने सजन की कृपालता करनी। वैसे सारी संगत को पता है पहले प्रोग्राम जो बीबी कौलां जी के गुरुद्वारे कौलसर साहब होना सी, पर मौसम अचानक तब्दील हो जाता सब नूं पता है, तो इस करके ये प्रोग्राम बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड श्री अमृतसर साहब विखे हो रहे हैं। बाबा दीप सिंह जी का जिहड़ा स्थान है शहीदां साहब, उत्थों पैदल 5-7 मिंट का यह रस्ता है, शहर के विच स्थान है, तो संगत नूं किसे गल की परेशानी ना होवे इस करके इस समागम का जो स्थान चेंज किया गया। मेरी सारे परिवारक मैंबरों नूं फिर बेनती जो गुरु रामदास बाबा दीप सिंह जी दीयां खुशियां लैण वास्ते जो जो भी तुहाडे मन की भावना है मैं लिख के देण नूं तैयार, जदों तुसीं शरदा ते भावना दे नाल हाजरी भरोगे सब दीयां झोलियां बाबा दीप सिंह जी ने भरनियां ने। तो ये मैसेज वध तों वध शेयर कर देना तां जो सारे परिवारक मैंबर इस चीज़ का लाभ लै सकन। ये सारा समागम साडे यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह ऑफिशियल चैनल फेसबुक पेज से और PTC सिमरन से लाइव भी दिखाया जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक हो सी पी सच सारे बोलो जप याद सच जुगाद सच है पी सच नानक हो सी पी सच। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे।
रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार नाल सारे अपन जी, धन बाबा दीप सिंह जी राखो, धन बाबा दीप सिंह जी। आवो सजना, आवो सजना, बोलो आवो सजना, आवो सजना, देखो दर्शन अपनड़े खड़ी तका, मैं मन जाओ कनेरा राम, मन जाओ कनेरा, सुन प्रभु मेरा, बोलो मन जाओ कनेरा, सुन प्रभु मेरा, दर्शन देख पाई नहीं केवल जन्म मरण दुख नासा, सगली जोत जाता तू सोई, मिले आप पाए सुफाए, नानक साजन कौ बल जाइए, बल जाइए, साच मिले कर आए, साच मिले कर आए, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, अरे
सारे वाहेगुरु सारी संगत आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी अज बाला प्रीतम अठवें गुरु नानक धन गुरु हर कृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र आगमन पुरब है। दूरों नेड़ों चल के गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दा बाबा दीप सिंह साहब जी दा संगत रूपी परिवार इस अस्थान ते पहुंचे है, पहुंच रहे है। सबनों मैं जी आया
ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਪੀਟੀਸੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਗੁਰਮਤ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਹਨੂਣਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਯੋਗ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਧਿਆਨ ਕਥਾ ਵੱਲ ਰੱਖੋ, ਫੋਨਾਂ ਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕੱਠ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਉਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸੁਣਿਓ। ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਭਿਮਾਨ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਉਣ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੱਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁਣ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਮਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੈ ਜੀ, ਅਭਿਮਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ, ਇਹ ਭੀਤਰ ਤੇ ਇਨਕੋ ਡਾਰੋ ਆਪਣ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੋ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਛੁਪੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਬਣਾਏ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ। ਕਾਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਮ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਬਖਾਣੇ, ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸੰਗ ਨੇਹੋ ਤੁਮ ਨਿਤ ਬੜਈਓ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ ਭੂਲ ਸੁਪਨੇ ਹੂ ਨਾ ਜਾਈਓ। ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਤੀ ਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਬਣ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਤੀ ਸਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹੀ ਨਾ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਰੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰਦ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਤਨੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪਤੀ, ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ
एक दे नाल बस जिदे नाल लावां लईआं ना ओदे नाल इमानदारी नाल ग्रस्त धर्म निभा तू भी जती सती है। आखो वाहिगुरु जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी प्यार नाल सारे आखो न जी धन बाबा दीप सिंह ते जिदे नाल तू लावां लईआं ने ओनू छड के बाहर जे तू गंद खा रहे है ना बार मूह मार रहे हैं मैं फिर दोहरा रहे हैं ये दोनों ते लागू हो रही चीज दोनों ते पति दे उत्ते भी पत्नी दे उत्ते भी ते फिर महाराज कहिंदे फिर तू ते धर्मी नहीं तू ते पखंडी है पखंडी। हुण मैं जिहड़ी गल कर रहा ये चीजा बनाईया किन्ने ने परमेशर ने ते परमेशर दी बनाई कोई चीज माड़ी नहीं जिहड़ी असी रोज अरदास करदे आ ना पंजे विकारां तों बचा के रखो इहदा मतलब की महाराज हर चीज मेरे अंदर एक दायरे च आ जाए दायरे च क्रोध भी चाहीदा है हुण क्रोध गल गल दे उत्ते तुसी सड़ी जाओ गल गल दे उत्ते बस गुस्से करी बस गल गल दे उत्ते चिड़ी जाओ गल गल दे उत्ते कलपी जाओ वह गल कुछ होर है तुहानू किसे ने दित्ता कोई ताना हुण तुहानू चढ़ गया गुस्सा गुस्से दे विच ओदा पाड़ दिता सिर वो ते गल गलत हो गई हुण तुहानू किसे ने ताना दिता है बंदा निकम्मा कुछ कर नहीं सकता हुण उस चीज नू तुसी हिरदे दे उत्ते नोट कर लिया इहने मैनू ताना दिता गुस्सा चढ़िया पर उहनू कंट्रोल कर लिया कीता की साल दो साल तीन साल पूरी मेहनत कीती आईलेट्स भी कर ली मेहनत करन तो बाद बार गए बार जाके कारोबार शुरू करता पढ़ाई शुरू करती पंजा सत्तां सालां दे विच अपने पैरां ते स्टैंड हो गए ते पंजा सत्तां सालां बाद आके उस बंदे नूं जवाब दिता तू कहिंदा सी मैं कुछ कर नहीं सकदा मैं निकम्मा उस वेले मैं तैनूं तेरी गल दा जवाब नहीं दिता गुस्सा मैनूं बड़ा चढ़िया उस वेले जवाब नहीं दिता पर अज मैं जवाब दे रहा कि मैं निकम्मा नहीं गुर परमेशर दा हाथ मेरे सिर ते मैं आ कम करके विखाया है जी। गुस्से ने एक हुण मोड़ ले लिया मोड़ आ चीजा चाहीदियां ने चाहीदियां लोभ भी चाहीदा है ये लालच हाउ गुण ताउ चरो मैं कपाड़ जपजी साहब दा कर लिया एक होर करना ये लोभ भी चाहीदा है मैं सिमरन एक घंटा करदी हां या करदा एक घंटा मैं होर करिया करना इहो जिहा लोभ भी चाहीदा चंगे गुण मेरे अंदर आउण इहो जिहा लोभ भी चाहीदा मोह भी चाहीदा ओहदे चरणां दा मोह आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी ते अहंकार सैल्फ कॉन्फिडेंस विच बदलिया होवे सब चीजां दी बंदे नूं लोड़ है लोड़ गल सुनियो जेड़ा अहंकार है वह बंदे नूं उठन नहीं देंदा ते सच्ची गल है अभिमान उठन नहीं देंदा ते स्वाभिमान किसे दे पैरां दे उत्ते डिगन नहीं देंदा आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी प्यार नाल आखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी समझ रहे हो ना तुसी मैं की कह रहे हैं असी सारे परिवारक मैंबर हां तकरीबन तुसी रोज जुड़दे हो मैनू वार वार तुहानू कहण दी लोड़ पैणी नहीं इहना मैनू पता है हुण अज दी परिवारक मीटिंग दी दूजी गल सुणियो ध्यान नाल जेड़ा बंदा दूजियां दे दुखां नू ते कष्टां नू समझदा है ना जेड़ा बंदा दूजियां दे दुख नू कष्ट नू समझदा है निश्चित ही है पता की एहो जे बंदे दे जेड़े दुख ने ना गुर परमेश्वर साई आप ही हर लेंदे ने जेड़ा बंदा दूजियां दे दुख नू दूजियां दे कष्ट नू समझदा है ना निश्चित तौर ते एहो जे बंदे दे दुख परमेश्वर साई आप हर लेंदे ने आप दूर करदे ने ते जे दूजियां नू दुखी वेख के तुहाडे अंदर दुख नहीं ना होया फिर समझ लेना तुसी इंसान नहीं हो दूजा रो रहा रोण दे की फर्क पैना है दूजा तड़फ रहा तड़फण दे असी रोडां ते जाने हां कई बारी इहो जी घटना वापरी हुंदी है असी उस घटना ते कई बारी खलो भी जाने हां पर हैल्प करन दी बजाए असी प्यारे हो फेसबुक दे उत्ते वो वीडियो शेयर करन लग पैंदे वीडियो बनाउण वल लग जाने उहदी हैल्प नहीं करदे इहदा मतलब तेरे अंदरों इंसानियत खत्म हो रही है पहले उहदी हैल्प कर हैल्प उहदी मदद कर असी रोज तां ही ते कतरत हुन्ने आ कि असी नेक इंसान बणीए चंगे इंसान बणीए सिख बाद विच आ हिंदू बाद विच आ
बाकी धर्म साढ़े नाल बाद चे जुड़ते ने, पहले चंगा इंसान ते बन जा, चंगा इंसान। मैं फिर दोहरा रहा, जेड़ा बंदा दूजे दे दुख नू ते कष्ट नू समझदा ना, निश्चित तौर ते एहो जे बंदे दे दुख ते कष्ट परमेश्वर साईं आप भर लैंदे ने। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। तुहाडी गज के आवाज आवे प्यार नाल, आखो धन बाबा दीप सिंह जी। फिर आखो धन बाबा दीप सिंह जी। अगली गल भी ना बड़ी प्यारी और सच्चाई सच्चाई, इशनान तन नू ध्यान मन नू, सुन लो, इशनान तन नू ध्यान मन नू दान धन नू। तीन लफज मैं बोले ने, फिर दोहरा रहे हैं, तुसी मेरे नाल बोलो, इशनान तन नू ध्यान मन नू दान धन नू ते योग जीवन नू। जेड़ा योग करता है ना, योगा करता है जीवन नू। अगे कहिंदे अरदास आत्मा नू, ते अगला लफज कहिंदे घट खाना ए चीज सेहत नू, ते अगला लफज सुनियो कहिंदे खिमा वाला सुभा रखना ए रिश्तियां नू, ते पर उपकार करना ए चीज किस्मत नू शुद्ध बना देंदी है। आखो वाहिगुरु जी। हुण इशनान करन दे नाल तन शुद्ध हो गया ना, ध्यान करन दे नाल मन शुद्ध हुंदा है, उस तों बाद दान करन दे नाल धन तेरा शुद्ध हो गया। जदों दसवां हिस्सा तू गुरु घर लई या सेवा लई कढ़दा है ना, नौ हिस्से पई माया तेरे घर अमृत बन जांदी है। उस तों बाद जे योग करदा है, कसरत करदा है, उहदे नाल तेरा स्वास्थ्य सही रहिंदा है, सेहत सही रहिंदी, सेहत शुद्ध हो रही, ते जदों प्रार्थना करदा है आत्मा शुद्ध हुंदी है, ते जदों घट खाना है ना घट इहो जिहियां चीज़ां अपने जीवन दे विच लियाउंदा है, इहदे नाल भी सेहत शुद्ध हुंदी है, ते जदों खिमा वाला सुभाव रखदा है रिश्ते शुद्ध हुंदे ने, ते जदों पर उपकारी सुभाव बणाउंदा है ना, इहदे नाल फिर किस्मत शुद्ध हो जांदी है। मेरी बेनती है, ये वार वार चीज़ां सुनिया करो। साडा यूट्यूब चैनल है प्रियम मनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल, उन्हें सबसक्राइब कर लो, वार वार ये चीज़ां सुनो, ते सुनन तों बाद यतन करो मनन दा। मैं कहना बड़ा बदलाव आएगा, मैं गुरु की हजूरी च कह रहा, हजारा शरीर मैं तुहानूं इहो जे विखा सकदा, हजारा शरीर जदों दे तीन तो चार दुपहरी समागम नाल जुड़े ने, किन्ना उन्हां दे अंदर बदलाव आया महाराज जी दी मेहर नाल। सुनिया करो वार वार, आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार नाल आखो ना जी धन बाबा दीप सिंह जी। एक गल होर करके फिर मैं शब्द पढ़ना, हुण सुनियो ध्यान नाल, ये भी बड़ी प्यारी गल है। परमेश्वर साईं कहिंदे जिंदगी दे विच कदी भी किसे भी अपने हुनर दा घमंड ना करी। मैं कीर्तन करदा, चलो चंगी गल, सतगुरु ने मेरी ड्यूटी लाई है, पर इहदा मैनूं हंकार आ जे मैं बड़ा वधिया कीर्तन करदा, मेरे वर्गा कीर्तन नहीं करदा कोई, सतगुरु कहिंदे आह चीज गलत हो गई। हुण मैं कथा कर रहा, चंगी गल है, पर इह चीज दा अंदर घमंड ना होवे। तुसीं कीर्तन दो दो घंटे सुनदे हो, चंगी गल है, पर सुनन दा भी अंदर घमंड ना होवे। तू किसे विधवा बीबी दे घर दा राशन दा साधन बनिया होया, चंगी गल है, पर इस चीज दा अंदर घमंड ना होवे। कोई भी हुनर है, कोई भी गुण है, उहदा घमंड नहीं। परमेश्वर साईं कहिंदे जिंदगी विच कदी भी अपने किसे भी हुनर दे उत्ते घमंड ना करें, क्योंकि जदों पत्थर पानी दे विच डिगदा है ना, ते अपने वजन दे नाल ही डुब जांदा है। पत्थर जदों पानी च डुबदा है ना, पत्थर जदों पानी च डिगदा है, ते अपने ही वजन नाल डुबदा है। ते इह हुनर दा घमंड करना समझ लो, पत्थर पानी च डिगया ते हुण अपने वजन नाल डुबना शुरू हो गया। कदी भी किसे गल दा किसे भी हुनर दा माण ना करिए,
गुर परमेश्वर साईं ने कोई गुण दिता है हर वेले कहिए धन गुरु रामदास जी तुहाडा शुक्र है बाबा दीप सिंह जी तुहाडा शुक्र है कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाओ ना जाने मेरा आओ अपना निशाना जेड़ा रोज असी धरोने दुराओ उस तो बाद शब्द पढ़िए सारे बोलो आप सवरो परिवार सवारो समाज आपे ही सवर जाएगा प्यार नाल सारे फतेह बुलाओ वाहेगुरु जी का वाहेगुरु जी की फतेह बल्लभ प्रीतम साहब जी का अज आगमन पुरब है भावना बनाओ गुरु ग्रंथ साहब जी के रूप दे विच आप सतगुरु चौंकड़ा मार के बैठे ने गुरु अर्जन देव पातशाह जी का उच्चारण किया शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी के 459 नंबर अंग दे उत्ते दर्ज मेरी सेजड़िए आडंबर बनिया मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया आओ बाला प्रीतम जी नूं जिया आ कहिए शब्द द्वारा और जिथे जिथे जगह मिल रही है ना बस जुड़न का यतन करियो ये मेरी निम्रता सहित बेनती है जी करियो कृपा प्यार नाल मेरी से जड़िए आडंबर बनिया बोलो मेरी से जड़िए आडंबर बनिया मेरी से कृष्ण साहेब जी तन गुरु हर कृष्ण साहेब जी तन गुरु हर कृष्ण साहेब जी तन गुरु हर कृष्ण साहेब मेरे से जड़िए आडंबर बनिया गुरु रामदास जी गुरु रामदास जी सारे प्यार न लखन जी धन बाबा देव सिंह जी प्रभ मिले स्वामी सुखे गामी चाव मंगल रस परे प्रभ मिले स्वामी सुख गामी चाव मंगल रस परे अंग संग लागे दुख पाके प्राण मन तन सब हरे बड़ो
संग संग लागे दुख पागे प्राण मन तन सब हरे। अंग संग लागे दुख पागे अंग संग लागे दुख पागे प्राण मन तन सब हरे। मेरी से जड़िए आडम सारे आखो धन बाबा मने छपाई प्रभ ते आई संजोग साहा सुख गणिया। मने छपाई प्रभ ते आई संजोग साहा सुभ गणिया। बिनवंत नानक मिले श्री तर बिनवंत नानक मिले श्री तर सकल अनंत रस बणिया। मेरी से जड़िए आडंबर बणिया मेरी से सुभ गणिया। बिनवंत नानक
मिले सिरी तर सगल आनंद रस बनया। बिनवंत नानक मिले सिरी तर सगल आनंद रस बनया। बिनवंत नानक मिले सिरी तर बिनवंत नानक मिले सिरी तर सगल आनंद रस बनया। मेरी से जड़िए आडम बर बड़िया मेरी से जड़िए गज के आडम बर बड़िया मेरी से जड़िए आडम बर बड़िया मेरी से जड़िए आडम बर बड़िया मनी आनंद पाया तन तन बाला प्रीतम जी तन बाला प्रीतम जी तन 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 गुरु हरे कृष्ण साहिब 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 जी वह प्रु वह प्रु वह प्रु वह सारे वह प्रु वह प्रु वह प्रु वह गज के वह प्रु 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 वह सारी संगत Hey, 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 hey,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਅੱਠ ਵਜੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸੀਸ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਅੱਜ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਈਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਹੈ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪ ਰੱਬ ਆਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਰੱਬ ਆਇਆ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾਤੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਟ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਜਰਨਲ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਣ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਈ ਮੇਰਾ ਹਰ ਰੋਗ ਦਾ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਬੋਲੇ ਹਰ ਰੋਗ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹਰ ਰੋਗ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਗ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਦਾ ਉਹ ਰੋਗ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅੱਠਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ ਕਟੇ ਹਰ ਰੋਗ ਦਾ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਔਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਇਓ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾਇਓ ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਦਿਨ
कोई पशु पंछी परिंदा भी अगर चढ़ाई कर जावे ना वह भी नरकां नूं नहीं जांदा। कहिंदे गुरपुरब वाले दिन दरगाह दे बूहे खुले हुंदे ने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी, सत्संग जी। 13 अगस्त दिन शनिवार रात 10 बजे तो अमृत वेले 4 बजे तक बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड श्री अमृतसर साहब विखे रैन सुबाई समागम हो रहे हैं। जिन्हें भी परिवारक मैंबर आप जी रोज़ जुड़ते हो, मेरी सारी संगत के सारे परिवारक मैंबर के चरणों बेनती, सारे रुझेवियां छड़ के आप जिया ने 13 तरीक तकरीबन 7:30-8 बजे के करीब पहुँच जाना। 8 बजे लंगर प्रसाद जो प्रारंभ हो जाएगा, लंगर छक के 9:45-10 बजे तक सारी संगत ने जो गुरु पिता जी की गोद के सजन की कृपालता करनी। और तुहानू सबनू पता है जदों रैन सबाई समागम के हाजरियाँ भरते हो किवें गुरु रामदास जी बाबा दीप सिंह जी आप प्रतख हो के वरतते ने ते एक एक दी झोली भरते ने। बेअंत संगत इहो जिहा मैं तुहानू विखा सकदा जिहड़ियां तुहानू कहणगियां कि असीं रैन सबाई च आए साडा आह कारज रास हो गया। इस करके मेरी बेनती है कोई भी परिवारक मैंबर नागा ना करो, 7:30 लास्ट 7:45 तक पहुँच के लंगर प्रसाद छक के फिर 9:45-10 बजे तक जो पिता जी की गोद के सब ने सजन की कृपालता करनी। वैसे सारी संगत को पता है पहले प्रोग्राम जो बीबी कौलां जी के गुरुद्वारे कौलसर साहब होना सी, पर मौसम अचानक तब्दील हो जाता सब नूं पता है, तो इस करके ये प्रोग्राम बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड श्री अमृतसर साहब विखे हो रहे हैं। बाबा दीप सिंह जी का जिहड़ा स्थान है शहीदां साहब, उत्थों पैदल 5-7 मिंट का ये रस्ता है, शहर के विच स्थान है, तो संगत नूं किसे गल की परेशानी ना होवे इस करके इस समागम का जो स्थान चेंज किया गया। मेरी सारे परिवारक मैंबरां नूं फिर बेनती जो गुरु रामदास बाबा दीप सिंह जी दीयां खुशियां लैण वास्ते जो जो भी तुहाडे मन की भावना है मैं लिख के देण नूं तैयार, जदों तुसीं शरदा ते भावना दे नाल हाजरी भरोगे सब दीयां झोलियां बाबा दीप सिंह जी ने भरनियां ने। तो ये मैसेज वध तों वध शेयर कर देना तां जो सारे परिवारक मैंबर इस चीज़ का लाभ लै सकन। ये सारा समागम साडे यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह ऑफिशियल चैनल फेसबुक पेज से और PTC सिमरन से लाइव भी दिखाया जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी, सत्संग जी। आप जिया ने जिमें दास की पहली किताब सभे जी संभाल अपनी मेहर कर बड़ा ही उस किताब नूं प्यार दिता, हजारां दे हिसाब नाल उह किताब नूं खरीदिया भी, प्रचार हित उस किताब नूं वंडिया भी, ते तुहाडे हुकम नूं मुख रखदिया होया ये दास की दूसरी किताब साजनो तू मीत मेरा ये रिलीज़ हुई है। और इस किताब दे विच भी कीर्तना दे उतारे ने, जिवें तुसी कीर्तन सरवण करते हो ना बस उस तरह एक एक लफज इस किताब दे विच लिखिया होया। जदों तुसी पढ़ोगे किताब नूं तुहानू एदां दी फीलिंग आएगी जिवें असी कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं। तो ये मैं बेनती करदा एक किताब नूं अपने पढ़न वास्ते ते मंगवायो, अगां वंडन वास्ते। कोई बच्चे का जन्मदिन जां किसी की कोई मैरिज एनिवर्सरी है, घर दे विच कोई भी तुहाडे प्रोग्राम है, ये खुशी दे विच ये प्रचार करियो, तुसी किताब नूं घर घर दे विच पहुंचायो, गुरमत का प्रचार घर घर दे विच पहुंचायो। नंबर तुहाडे टीवी स्क्रीन दे उत्ते आ रहा है 9879-59004। इस नंबर ते आप जी संपर्क करके किताब अपने लिए भी अगां वंडन लिए भी मंगवा सकते हो। ये बेनती प्रवान करियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई अमनदीप सिंह जी नूं आप जी सोशल मीडिया ते भी फॉलो कर सकते हो जी। भाई साहिब दे रोजाना दे समागमां दी जानकारी अते आप सवरो परिवार सवारो समाज आपे ही सवर जाएगा। इस प्रचार दा हिस्सा बनन दे लई आप जी 7274000061 इस नंबर ते अपना नाम अते अपने शहर दा नाम लिख के व्हाट्सएप करो अते ए नंबर भी अपने मोबाइल ते सेव करन दी कृपालता करो जी। धन्यवाद।